हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का श्री लाइव क्लासरूम में। मैं राघवेंद्र सर, आपका फिजिक्स ट्यूटर। तो आज के हमारे सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल एंड ईएमएफ। एक्चुअल में सेल से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस हैं, हम यहाँ पे सेल की जिसकी बात करेंगे वो होने वाला है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सॉरी नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल बट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हो और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो तो इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, बाकी इनकी जो प्रोसेस है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो सारी चीज़ें सेम है। तो हम हमारे पूरे सेशन में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है और क्या क्या टर्म्स हैं जो यूज की जाती हैं सेल को लेकर, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटा सा वीडियो होने वाला है, ज्यादा लंबा लेंथ इसका नहीं रखने वाले हम। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आपको समझाया जा सके, बट इवन देन आपको किसी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, टेक्स या ग्राफिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट अस, वी विल शॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम शॉर्टली। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल एंड ईएमएफ, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो मेन पर्पस है सेल, एक्चुअल में ये जो सेल है ये है क्या। जैसे कि मैंने कहा कि हम किसको यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। हमारा जो सेल यहाँ पे होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होने वाला है। अभी यहाँ पे हम स्लाइड लेके आ जाते हैं, दिस इज द स्लाइड हियर। अब ये जो आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअल में ये जो फिगर अभी यहाँ पे है थोड़ी सी लेबल्ड है, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं है। ये फिगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का है। इस फिगर में आप देखेंगे तो एक सिंगल फ्लास्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सिंगल फ्लास्क है और उस फ्लास्क के अंदर दो कंट्रोल रोड्स लगी हुई है, ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं, एक हमारे पास में होता है हमारा एनोड और दूसरा हमारा होता है यहाँ पे कैथोड। अब देखो, एनोड और कैथोड के साथ आप किसी चीज को लेकर सबसे ज्यादा परेशान होते हो वो ये होता है कि इनमें से पॉजिटिव कौन सा होगा, नेगेटिव कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जो एनोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और जो कैथोड होता है वो हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल होता है। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा कैसे, कैथोड कैटायन जैसी बात आ रही। तो देखो, कैथोड का मतलब ये होता है कि जितने भी कैटायन बनेंगे वो सारे कहां जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, और जितने भी एनायन बनेंगे वो सारे कहां आएंगे, एनोड पे आएंगे। और एनायन हमेशा कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और कैटायन हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहां से देखो, पॉजिटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हमेशा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें दो रोड होती है, कौन सी होती है, एक तो हमारे पास में एनोड होता है यहाँ पे और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, कैथोड होता है। यहाँ फिगर में आप देख पा रहे होंगे दूसरी तरफ जो नेगेटिव चार्ज है उस साइड कौन सा है हमारा, उस साइड हमारा कैथोड है, और जहां ये पॉजिटिव चार्ज है वहां हमारा क्या है, एनोड है। अब इसके अंदर जो लिक्विड भरा जा रहा है यहाँ पे, ये जो लिक्विड है इसके अंदर, ये कैसा लिक्विड है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड है। कैसा लिक्विड है, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड। एक्चुअल में ये ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर जो आयन कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसी है, बैलेंस्ड है, ठीक है। कैसी आयन कॉन्फ़िगरेशन है, बैलेंस्ड आयन कॉन्फ़िगरेशन है। यानी इसका जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक जो हम कॉन्फ़िगरेशन अगर मैच करते हैं तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा यहां से, ठीक है। कैसा आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं, कैसे चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं उनकी पोलैरिटीज क्या है, इक्वल है। उनकी जो क्वांटिटी है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या मिलने वाला है, जीरो मिलने वाला है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज है इस लिक्विड की। अब क्या होगा, ये दोनों जैसे ही यहां पर रोड्स डुबाई जाती, कौन सी, एक एनोड और एक कैथोड, तो ये क्या करते हैं, ये डिप्लीट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे, टूटना शुरू कर देंगे। और कहां से कहां मूवमेंट होगी, देखो जो एनायन जितने भी हैं उनकी मूवमेंट कहां हो जाएगी, एनोड पे हो जाएगी, और कैटायन जितने भी उनकी मूवमेंट कहां हो जाएगी, कैथोड पे हो जाएगी। यहां पे देख रहे हो, एनायन जितने भी मूवमेंट कहां हो गई, एनोड पे, और कैटायन जितने भी उनकी मूवमेंट कहां हो गई, कैथोड पे हो गई। अब इस मूवमेंट से क्या होगा, एक्चुअल में जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा इसी मूवमेंट से ही होगा। कौन सी मूवमेंट है, ये आयनिक मूवमेंट है, आयनिक मूवमेंट है। इस आयनिक मूवमेंट से क्या होगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहां पे, ठीक है, यहां पे जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। क्या शुरू कर देगा, यहां पे जो हमारा करंट है वो यहां पे फ्लो करना शुरू कर देगा। और जब इसमें करंट फ्लो करेगा, लिसन, जब यहां पे करंट फ्लो करेगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रही है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक प्रोसेस यहां पे हो रही है, समझ रहे हो। करंट फ्लो कर रहा है मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रिक प्रोसेस यहां पे हो रही है, और जहां पे इलेक्ट्रिक प्रोसेस हो रही है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक प्रोसेस हो रही है किसकी वजह से, हमारे केमिकल प्रोसेस की वजह से। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। यानी यहां से आप सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू
मूवमेंट ऑफ, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयनिक पार्टिकल्स, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयनिक पार्टिकल, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयनिक पार्टिकल्स, दैट सिस्टम इज कॉल्ड SL, ठीक है। जिस सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से, आयनिक मूवमेंट की वजह से, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, या फिर उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। अब सेल का क्या होता है कि सेल बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट को या फिर ऐसे करंट्स को जनरेट करने के लिए। तो एक तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयनिक पार्टिकल्स, और आयनिक पार्टिकल का मूवमेंट होना कैसी रिएक्शन है, देखिए आयनिक पार्टिकल का मूवमेंट कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ए सेल, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज सेल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ईएमएफ, इंटरनल वोल्टेज, और इसके साथ में हम बात करते हैं टर्मिनल वोल्टेज के बारे में, सॉरी ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या होते हैं, सो नाउ मूव टू देयर डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या होता है, जैसे ही मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूंगा आपको समझ आ जाएगा कि ईएमएफ क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास में, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब देखो इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गए, चार्ज पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्या हो गए, चार्ज पार्टिकल्स की बात हो रही है, और मोटिव का मतलब है मोशन, ठीक है, यानी चार्ज पार्टिकल के मोशन की वजह से जो फोर्स एग्जिस्ट करता है, द फोर्स दैट एग्जिस्ट ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ आ रहा है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो जनरेट होती है चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट की वजह से। अब यहां पे देखिए, ये जो हमारे पास में सेल है, इस सेल में ईएमएफ आप कैसे डिफाइन करेंगे। देखो ईएमएफ के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि पहले तो जो सेल है वो किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए, सेल जो है किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल सर्किट से सेल नहीं जुड़ा होगा तो उस टाइम पे, व्हेन ए सेल इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किट, देन जब क्या हो गया, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो सेल है यहाँ पे, देखो पिछले केस में हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कंसीडर किया था, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस टाइम पे, ठीक है, बाहर किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि इसके ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स बनेंगे, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स यहाँ जो दोनों इलेक्ट्रोड्स होंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या हो गया, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये जो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर होता है किसके, ईएमएफ के बराबर होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। सो हियर इज द डेफिनेशन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स will be equal to the electromotive force, किसके बराबर होगा, electromotive force के बराबर होगा। अब देखो इन दोनों के बीच का जो potential difference होता है उसको हम show करते हैं, किससे show करते हैं, small e से show करते हैं, EMF को किससे show करते हैं, ये जो हमारे पास में EMF है, इस EMF को हम show करते हैं small e से, ये कुछ small e कुछ ऐसा होता है, किसी जगह पे small e proper लिखा जाता है, वैसे छोटा e से हम इसको show करते हैं EMF को। So जो EMF होती है किसके बराबर होती है, EMF will be equal to potential at the positive electrode minus potential at the नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये ध्यान रहेगा, पोटेंशियल एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड माइनस पोटेंशियल एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज द टर्मिनल वोल्टेज, तो चलो टर्मिनल वोल्टेज को समझते हैं। ओके स्टूडेंट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनल वोल्टेज, हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। देखो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कुछ कुछ ईएमएफ के जैसी है, बिल्कुल यही वाला केस रहेगा, यानी कि जो सेल है वो दोबारा से क्या होगा, कोई भी एक्सटर्नल सर्किट तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट से जो सेल है वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस केस में टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी। देखो ईएमएफ तो हमने ये कहा था कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है कि जो दोनों टर्मिनल बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बनेंगे यहाँ पे, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल और यहाँ पे इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन रहे हैं, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, टर्मिनल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉट कनेक्टेड
नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। ऐसा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके बीच में होगा, दोनों टर्मिनल्स के बीच में होगा। पिछली बार ईएमएफ क्या थी, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है, दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज को जैसे हम लिख लेते हैं, यहां से जो इसका सिंबल होगा मैथमेटिकल सिंबल वो वी टी होगा, ठीक है। इस केस में आप क्या लोगे, पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे हम इसको लिखेंगे, ये बिल्कुल ईएमएफ के जैसा ही है, फॉर्मूले में कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। और इनकी जो वैल्यूज होती है टर्मिनल वोल्टेज की और ईएमएफ की, ये दोनों लगभग बराबर आते हैं, बट ईएमएफ ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद में हो सकता है कि ईएमएफ की वैल्यू हल्की फुल्की चेंज हो जाए, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाती है टाइम के साथ में, ठीक है। सो ईएमएफ लिटरली कॉन्स्टेंट होता है, पूरी तरह से कॉन्स्टेंट नहीं होता है, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। बट टर्मिनल वोल्टेज इज नो लॉन्गर कॉन्स्टेंट, जितना ज्यादा टाइम स्पेंड होता है टर्मिनल वोल्टेज में उतना ही ज्यादा चेंजेस आता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट बट नॉट लीस्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, ओके। सो स्टूडेंट, अब हम लास्ट जो टर्म है उसके बारे में बात कर लेते हैं, विच इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, द लास्ट बट नॉट लीस्ट। हम जब भी लास्ट की बात करते हैं तो लास्ट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो सिमिलरली यहां पे हम बात करने वाले हैं द टर्म इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, अब यहां पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, नॉर्मल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी बैटरी का या किसी भी सेल का, तो ऐसा रेजिस्टेंस जो क्या हो, बाहर तो विजिबल नहीं हो, बाहर किसी सोर्स की वजह से विजिबल नहीं हो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है, जो पोटेंशियल वैल्यू है, यानी जो पोटेंशियल वैल्यू होगी किसी भी सेल की, द पोटेंशियल ऑफ सेल, जो वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, जो लिस्टेड वैल्यू, मान लीजिए 10 वोल्ट है, मान लेते हैं कि जो लिस्टेड वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, बट फिर भी अगर आपको आउटपुट कितना मिल रहा है, मान लेते हैं कि 9.8 वोल्ट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 9.8 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि जब भी यहां पे 10 लिखा होता है या 100 लिखा होता है या 200 लिखा होता है तो कभी भी आपको कंप्लीट आउटपुट नहीं मिलता वहां पे, ठीक है। जैसे 100 भी लिखा होता है तो 99.8 समथिंग या 99.6 इतना ही मिलता है, तो जैसे 10 वोल्ट के लिए अगर आपको 9.8 वोल्ट मिले तो जो 0.2 वोल्ट है वो कहां गए, 0.2 वोल्ट का कहां लॉस हो, जबकि आपने तो किसी सर्किट में जोड़ा भी नहीं, उसको कहीं कनेक्ट नहीं किया, फिर भी लॉस कहां हुआ। ये जो लॉस होता है ये होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के कारण, किसकी वजह से होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर की वजह से। और इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से होता है, ठीक है। जैसे यहां पे मटेरियल जहां पे जैसे यूज किए गए हैं, किस तरह का वहां पे जो सर्किट प्लेसेस हैं, जैसे जो पाथ डिजाइन किए गए वो किस तरीके से डिजाइन किए गए, ये चीजें डिपेंड करती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। लेकिन यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में जो हमारे पास में क्या है, ये जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहां पे आप ये जो लिक्विड देख रहे हैं, जिस लिक्विड को आपने क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड कहा था, ये जो हमारे पास में हमारा क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड है, जो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड का जो यहां पे रेजिस्टेंस होगा, किसका, जो इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड है इसका जो रेजिस्टेंस होता है हमारे पास में, वो रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। इसके लिए हल्का सा एक मैथमेटिकल है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां के मैथमेटिकल में हम किसकी बात करेंगे, देखिए जैसे कि हमारे पास में ईएमएफ है, अगर मैं उसमें से माइनस कर दूं हमारा क्या, जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो, ईएमएफ में से क्या माइनस कर दूं, टर्मिनल पोटेंशियल माइनस कर दूं, तो वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, वो हमारा आ जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर आ जाता है, इंटरनल वोल्टेज के बराबर आ जाता है। यहां पे आई क्या है, आई इज द करंट दैट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड आर व्हाट इज द स्मॉल आर, स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू है हमारे पास में, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, हम अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, हमारे पास में आ जाएगा E माइनस आई आर विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू I इनटू कैपिटल R। अब ये I यहाँ पे क्या चीज है, I इज द करंट एंड R, R इज द रेजिस्टेंस, जो हमारे पास में अपर ग्रेडेड यहाँ पे ये जो R में इसका रेजिस्टेंस क्या है, हमारे पास में R है, हमें कैपिटल R रेजिस्टेंस है। तो ये वहां पे यहाँ पे क्या लिखी हुई है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको थोड़ा सा और हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा सोल्यूशन, अब देखिए ये हमारे पास वैल्यू लगी, अब हम क्या करते हैं कि जो करंट की वैल्यूज हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं, जो ईएमएफ की वैल्यूज को क्या कर देते हैं, एक तरफ रख लेते हैं। अब यहां से देखिए E will be equal to किसके बराबर आ जाएगा, I as it is capital R minus small R, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कैपिटल R माइनस स्मॉल R, ये वैल्यू आ गई। चलिए इसको और थोड़ा सा सोल्व करते हैं यहां से, ओके सो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई, यहां से करंट I की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, E upon R minus R, ये वैल्यू हो गई हमारे पास में। अब इस वैल्यू को कहां यूज करेंगे, ये जो हमारे पास में शुरुआती जो इक्वेशन हमने लिखी थी, जो शुरुआत में हमने ये वैल्यू लिखी थी, इसमें यहां पे यूज करना है। I की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये जो हमने वैल्यू निकाली है इस वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, यहां I में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से
स्मॉल आर को हमने क्या माना था, इंटरनल रेजिस्टेंस माना था, दैट विल बी इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब आई की जगह पे क्या लिखना है हमको, आई की जगह पे क्या लिखना है, वी बाई आर लिखना है, क्या लिखना है, वी बाई आर लिखना है। चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, चलिए अब आई की जगह पे क्या रखेंगे, आई की जगह पे हम क्या रखेंगे, वी बाई आर रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में वैल्यू, ई माइनस वी, ये एज इट इज यहाँ पे था वी अपॉन आर, आई की जगह पे रखा हमने वैल्यू, तो यहाँ से जो इंटरनल रेजिस्टेंस रहने वाला है, यहाँ लिख लेते हैं सॉरी, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन वी, और इसके पूरे के इनटू में आ जाएगा कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारे पास में जनरलाइज इक्वेशन बन गई, दिस इज द इंटरनल करंट एंड दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिखा, वी बाई आर लिखा, अगर उसकी जगह पे हम आई की जगह पे क्या वैल्यू रखते हैं, ये वैल्यू रखते हैं ई अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन से भी सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब ये यहाँ पे जो स्मॉल आर है, ये क्या चीज है, ये हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये किसकी वैल्यू है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। यहाँ पे हमने छोटी सी शिफ्ट की यहाँ पे, और ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकाला था, दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप आपको आज के डिस्कस किए हुए टॉपिक समझ आए होंगे, बट इवन देन कहीं भी किसी भी टॉपिक में लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर ग्राफिक्स या फिर वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी सुझाव है, देन यू कैन कमेंट अस, वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज, जहां पे हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में। यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स, आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी कंप्लीट वीडियो प्लेलिस्ट स्टेप बाय स्टेप, और जो पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल होंगे उसके साथ में वो वीडियो भी अवेलेबल होगी जिसमें हमने डिस्कस किया है उस पीडीएफ को क्लियरली, ठीक है, पूरी तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम लेके आ रहे हैं आपके लिए नई नई सीरीजेस, वन बाय वन, डे बाय डे हम इंप्रूव कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग लास्ट सेशंस, सेशन के लास्ट तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सही लाइफ से जुड़े रहिए, रोज सीखते रहिए कुछ ना कुछ नया। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, एंड जय हिंद।